नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम कांगड़ा पेंटिंग से रिलेटेड एक प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि कांगड़ा पेंटिंग की ओरिजिन जो है वो कांगड़ा में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कांगड़ा पेंटिंग मुगल पेंटिंग से निकली हुई एक आर्ट फॉर्म है, जिसको राजपूत राजाओं ने पैटर्नाइज किया था, यानी राजपूत राजाओं ने संरक्षण दिया था। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कांगड़ा पेंटिंग की जो थीम है, प्रिडोमिनेंट थीम, वो श्रृंगार है। तो सबसे पहले आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के अपना एक आंसर बना लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप गलतियां इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में इसकी ओरिजिन हुई थी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बात गलत है, क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज है कांगरी, जो कि डोगरी से काफी मिलती है। ये डोगरी लैंग्वेज जो है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो देखिए, इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि उत्तराखंड में हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है गुरुकुल कांगरी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कांगड़ा भी वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो चलिए अब कांगड़ा के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रॉक कट आर्किटेक्चर का टेम्पल है। ये टेम्पल, इसको हिमालयन पिरामिड नाम से भी जाना जाता है, और ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। इस टेम्पल की खास बात यह है कि ये एक सिंगल पत्थर या मोनोलिथ से बना हुआ है, और ये नागर स्टाइल में बना हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि नागर, बेसर और द्रविड़ियन तीन स्टाइल हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की, आपने शायद पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। और अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, तो यहाँ ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये अंग्रेजों को पहली एंग्लो सिख वार, जो कि 1845 से 46 के बीच हुई थी, उसमें मिला था। और यहाँ एक पॉइंट और आप देख सकते हैं कि यहाँ झमकदा जो है ये लोकल फोक डांस है, तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब कांगड़ा पेंटिंग के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले बात तो इसका विकास कैसे हुआ। जब मुगल साम्राज्य की स्थिति खराब होने लगी और उनका धीरे धीरे पतन होने लगा, तो उनकी ये कंडीशन नहीं रह गई कि वो सारे आर्टिस्ट को संरक्षण दे पाए। तो इसलिए कश्मीरी पेंटर्स का एक ग्रुप जो था वो हिमाचल प्रदेश की तरफ आया, और लोकल आर्टिस्ट से मिला, जिससे इस कांगड़ा फॉर्म की पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। और इसकी प्रीडोमिनेंट थीम जो है वो श्रृंगार या राधा कृष्ण थीम है, क्योंकि इसमें जो भी ज्यादातर पेंटिंग बनी वो भागवत पुराण, गीत गोविंद, सतसई और नल दमयंती पे बनी, जो कि श्रृंगार रस से रिलेटेड किताबें हैं। तो इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें अटेंशन टू डिटेल्स, मतलब यहाँ पे हर डिटेल पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देके उसकी चित्रकारी की जाती थी, और उसको कलर किया जाता था। और इसमें जो भी बैकग्राउंड होता था वो ज्यादातर नेचुरल होता था, मतलब यहाँ पे आपको पहाड़, पेड़ और ये सब ज्यादातर देखने को मिलते थे। और इसमें जो भी कलर अप्लाई किया जाता था वो मिनरल्स या वेजिटेबल्स से बनाया जाता था। और इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें जो भी कलर इस्तेमाल किया जाता था उसमें एक चमक होती थी, और इसमें ये जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं और फीचर्स हैं, ये काफी अच्छे डिटेल में किए होते थे। तो ये कांगड़ा पेंटिंग्स की कुछ खास बातें हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि पहला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में डेवलप हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मुगल आर्टिस्ट जब अपना मुगल साम्राज्य छोड़ के इधर उधर गए, तो फिर ये डेवलप हुई थी। और ये भी बात सही है कि इसको राजपूत राजाओं ने संरक्षण दिया था। उसके टाइम हिमाचल प्रदेश के आसपास राजपूत राजाओं का राज हुआ करता था, और उन्होंने ये संरक्षण दिया था। इसलिए ये कांगड़ा पेंटिंग को कांगड़ा पहाड़ी पेंटिंग भी बोला जाता है, और ये राजपूत पेंटिंग्स के अंतर्गत ही आती है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसकी प्रीडोमिनेंट थीम श्रृंगार थी। तो इस आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट जो है 2 एंड 3 सही हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक खास बात बताना चाहूंगा कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 3 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और इस टाइप के ऑप्शन दिए होते हैं कि 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2, 3, ये क्वेश्चन देखने में बेसिकली बहुत ही कठिन होते हैं, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे जो कांगड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में है, अगर आपको बस इतना सा बात ही पता है तो भी आप इस आंसर पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें वन स्टेटमेंट नहीं इंक्लूडेड है,
और वो है बी। इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इन स्टेटमेंट्स में गलतियां निकाली जाएं, और अगर आप एक भी गलती पकड़ लेते हैं कि कोई स्टेटमेंट यहाँ पे ये गलती है, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है। तो ये बात आप अपने फ्यूचर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लेलिस्ट वीडियोस जो भी हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट जो है www.aspirantjunction.com विजिट करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।